Hello friends, in this tutorial we will learn how to create free websites in Canva. The good news is that Canva websites are free. You can create these websites on your Canva free account or on your pro account. Isn't it good that you can use these free features for either you are a free account holder or a paid? First of all, log into your Canva account. ये डेस्कटॉप मेरा कैनवा का ओपन हुआ हुआ है। वेबसाइट के ऑलरेडी बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं हमारे पास। लेट्स सी, हम इसे स्टार्ट करते हैं, वेबसाइट सर्च करते हैं। ये हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। क्योंकि मेरे पास प्रो अकाउंट है तो मैं कोई प्रो भी यूज़ कर सकती हूँ और नॉर्मल कोई भी टेम्पलेट यूज़ कर सकती हूँ। तो राइट नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ अ रेगुलर टेम्पलेट दैट एवरीवन कैन use it. For example, ये हमारा एक templates है, हम इसको use कर सकते हैं। ठीक है, customize this template. Okay, here we are. ये एक website का template है जिसमें एक portfolio type वेबसाइट है। ये आप अपनी वेबसाइट इजीली इससे बना सकते हैं। आप यहाँ पे अपने इमेजेस चेंज कर सकते हैं, यहाँ आप अपना नाम लिख लीजिए, आप जो काम करते हैं वो लिख लीजिए। फॉर एग्जांपल, मैं इमेज को चेंज करना चाह रही हूँ, मैं बिजनेस वुमेन सर्च कर रही हूँ ताकि मैं इस इमेज को चेंज कर सकूँ। मैं इसके बजाय इस इमेज को यूज़ करना चाह रही हूँ। और यहाँ भी मैं इमेज चेंज कर सकती हूँ। जब आप अपना पोर्टफोलियो या अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो ऑब्वियसली आप अपना इमेज यूज़ कर रहे होंगे या अपने सिलेक्टेड इमेजेस यूज़ कर रहे होंगे। मैं भी सिर्फ एक डेमो टेम्पलेट बना रही हूँ आपको सिखाने के लिए, तो मैं सिंपल ये चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। ठीक, और इसके अलावा हम यहाँ पे अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं। टेस्टिमोनियल्स यानी आपके क्लाइंट्स आपके बारे में क्या कहते हैं कि आप किस तरह का काम कर रहे हैं, तो ये उस बारे में लिखा है, आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से कुछ भी। आप अपने क्लाइंट्स के जो आपके लिए वर्ड्स हैं आप वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ आप अपना फ़ोन नंबर, अपना ईमेल, जो चाहें आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। यहाँ एक बटन है सी माय वर्क, इस पर राइट बटन क्लिक कीजिए। यहाँ लिंक का ऑप्शन आपके पास आएगा, आप यहाँ लिंक को क्लिक करेंगे। अब आप कोई भी जो है पेज को इधर लिंक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं करना चाह रही हूँ बैकग्राउंड वाले पेज को। देखें, ये शो कर रहा है कि मैंने इस पेज को इसके साथ लिंक किया। अगर हम इसको प्रीव्यू करते हैं अपनी वेबसाइट को, ये इस तरह नज़र आएगी आपको। हम अपना इस बटन को क्लिक करके चेक कर लेते हैं। सी, ये हमारा बैकग्राउंड का पेज था तो इससे ही हमारे पास यहाँ लिंक अप हो गया है। हम इसको प्रीव्यू मोबाइल में भी चेक कर लेते हैं। लेट्स क्लिक ऑन द प्रीव्यू बटन। यह देखें, ये आपको डेस्कटॉप व्यू दिखा रहा है और अगर आप यहाँ प्रेस करते हैं तो ये आपको मोबाइल पे किस तरह नज़र आ रहा है, ये आपको मोबाइल का व्यू देगा। और आई गेस ये परफेक्ट नज़र आ रहा है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं इसी तरह। क्लोज द प्रीव्यू। पब्लिश करने के लिए पब्लिश वेबसाइट पर आप क्लिक करेंगे, बटन पे आपके राइट हैंड साइड पे दिख रहा है पब्लिश टू द वेब विदाउट नेविगेशन फ्री डोमेन। ऑब्वियसली अभी हम कोई डोमेन यूज़ नहीं कर रहे, हम फ्री डोमेन नेम यूज़ करेंगे और हम इसको विद नेविगेशन लेना चाह रहे हैं। कंटिन्यू।
Choose your subdomain name. आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं. आप फॉर एग्जांपल अपना नाम दे दीजिए, या जो इसमें समीरा लिखा था, मैं समीरा ही लिख देती हूँ. समीरा डॉट माई डॉट कैनवा डॉट साइट, ये हमारा डोमेन नेम बन जाएगा. सपोज हमने सुमारा 2022.my.canva.site हमारे पास नाम से हमारी एक वेबसाइट बन चुकी है. ये मुझे मेरी वेबसाइट का एड्रेस दे रहा है जो मैं यहाँ कॉपी कर रही हूँ. व्यू वेबसाइट, ये देखें जो हमने काम किया था वो हमें इस तरह से व्यू हो रहा है. और आप देखिए यहाँ पे इस साइट का नाम भी वही लिखा हुआ रहा है जो मैंने चूज़ किया था. हम अपना बटन भी चेक कर लेते हैं. ये देखिए मैं इस पर्टिकुलर लिंक को अपनी इस वीडियो के साथ भी अटैच कर दूंगी, ताकि कोई भी इसको व्यू करना चाहे, देखना चाहे, तो वो इसको देखकर सीख सकता है. होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी. पसंद आई है तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए टेक केयर.